बहुत बहुत ప్రయాణికుల అవసరాల మేరకు ఆర్టీసీ బస్సులను నడుపుతున్నామని మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ తెలిపారు। శాసనసభలో ప్రశ్నోత్తరాల సందర్భంగా జిహెచ్ఎంసీ ఇతర జిల్లాల్లో ఆర్టీసీ బస్సుల సౌకర్యంపై సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నలకు మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ సమాధానం ఇచ్చారు। ములుగు కొత్త జిల్లా అయినందున అక్కడ బస్ డిపో బస్ స్టాండ్ ఏర్పాటుకు పరిశీలన చేస్తున్నామని చెప్పారు। సో ఇంత పెళ్ళే దియాతా కోయి హుకుమత్ నహీ దియాతా ఇస్కు బచానే కే లియే హమారే సాహబ్ జో హై జిద్దోజీ ఆప్ లడ్ రహే హై ఇస్కే వజహ సే జో హై ఆప్కు జిత్తా ఇస్మే మత్లబ్ ఆర్టీసీ కే ఊపర్ జో जो दर्द है जो आप जो बता रहे हैं हम उससे ज्यादा जो है हमारे को उसके ऊपर कंसर्न है सर। आप बोले ऐसा जो अगर कोई एक आध रूट में अगर आपको मिनी बसेस चाहिए तो आप मेरे को आप जिक्र करिए सर, जरूर मैं वो ये करता हूँ। और दूसरी बात है आप जो आंकड़े जो मांगे हैं सर उसमें एक जरूरी कहना है कि आज तक जो है कोई डिपो क्लोज नहीं हुआ है सर। अब वो जीएचएमसी होन दीजिए या पूरा स्टेट होन दीजिए, जितने भी 97 डिपोज है 97 के 97 डिपोज चला रहे सर, कोई ऐसा एक भी डिपो नहीं है जो है हम बंद करे सर। और उसके अलावा जो है हमारे मुमताज अहमद खान साहब जो आप जिक्र करें सर, आपके पास जो बस स्टैंड था वो जो पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट में जो है उसको डेमोलिशन कर दिया है। तो पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट में जो डेमोलिशन हुआ है उसके वजह से जो है वहां पे हमारे को बस स्टैंड नहीं रहा। बस स्टैंड अगर रहता था तो चारमीनार, अब चारमीनार में क्या हो गया था, वो हेरिटेज बिल्डिंग हो गया, उसके वजह से पोल्यूशन के वजह से जो है वहां पे बस चलाना नहीं है बोल के डिसीजन लिए हैं। अगर आप समझो वहां पे फिर बस स्टैंड बनाने के लिए वो जगह जो जेएचएमसी को दिया गया था उसमें अगर आप हमारे को सौंप दिया तो हम जरूर जो है वहां पे बस स्टैंड बनाएंगे और वहां से जो है बसें चलाएंगे। जैसे हमारे आपने जो जिक्र किया है, हमारे म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर साहब भी राजी है, तो उन्होंने जेएचएमसी के तरफ से जो है आपने जो बताया है उसके लिए उन्होंने साहब भी एग्री हुए हैं, जरूर हम जो है मतलब मेरा इशारा इच्छी रहना ले ले नहीं घटिस्तान जब तले सारे घटिस्तान ना उन्होंने खुद बना के दे तुम बोल के बोले साहब। बहुत शुक्र गुजार हूँ हम म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर साहब को और ओल्ड सिटी एमएलए को। और दूसरी बात है सर, मैं आपको कल के हमारे डिमांड में भी बताया था, जो पीआरसी साहब पहले जो पीआरसी दिया था तब जो है एम्प्लॉयज को जो है 43% ट्रीटमेंट दिया तो आरटीसी को 40 वरद नीति कोसम उरुगिनी।